Hello everyone, hope you all are fine. Today in this video we are going to learn about one more famous painting, that is Journey's End. So let's we start. Journey's End, इसके आर्टिस्ट हैं अवनिंद्र नाथ टैगोर. मीडियम है इसका वाटर कलर एंड टेम्परा, वॉश टेक्निक में बनी हुई है. टाइम पीरियड इसका 1937 AD. कर्टेसी है इसकी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली. इस पेंटिंग में एक टायर्ड यानी थका हुआ ओवरलोडेड कैमल मौत के कगार पर खड़ा दिखाया गया है. आर्टिस्ट इस आर्ट की हेल्प से ह्यूमन लाइफ की लाइफ का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है. इस पेंटिंग में आर्टिस्ट ने वॉश टेक्निक से सनसेट यानी सूर्यास्त का इफेक्ट दिखाया है. इसमें रेड, ब्राउन और येलो ऑरेंज कलर का यूज़ किया गया है. फोरग्राउंड में लदे हुए लोडेड कैमल की पीठ पर रस्सी से बांधा हुआ एक कपड़ा दिखाया गया है, जो दर्शाता है कि कैमल द्वारा किया गया काम उसकी क्षमता से अधिक है. कलर के कॉम्बिनेशन को फोरग्राउंड तक बढ़ा दिया गया है और स्टोन यानी जो पत्थर हैं उसमें डार्क ब्लू कलर का यूज़ किया गया है, जहाँ पर लदा हुआ ऊँट मरने के बाद गिरने वाला है. ये पूरी कॉम्पोजिशन एक मिस्ट्री इफेक्ट देती है. ये सिम्बॉलिक पेंटिंग है. ट्विलाइट आर में एक एरिड डेजर्ट यानी जो शुष्क रेगिस्तान है उसके खिलाफ झुके हुए एक हाफते हुए ऊँट को दिखाया गया है. इस पेंटिंग का विषय पोइटिक डेलिब्रेशन का अफेक्ट है, जिसमें एक लंबी यात्रा के बाद एक ओवरलोडेड कैमल मरने और गिरने वाला है. इसमें एनिमल की मास्टरी स्टडी को दिखाया गया है, जिसमें आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन का पता चलता है. इसमें ऊँट की एक्सप्रेशन ट्रेमेंडस है. ओके, यू हैव द फेमस पेंटिंग जर्नीज एट. Goodbye everyone, see you in next video.